मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। ससुराल वालों ने दहेज में मांगी कार तो बहू ने पूरा घर ही उड़ा दिया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। पूरा मामला आपको जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। पूरी अपडेट जानने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपका क्या विचार है इस दुल्हन को लेके। ये जो पूरा मामला हमारे सामने राजस्थान के झुंझुनू जिले से आ रहा है, जहां पर एक बबीता नाम की एक जो लड़की है उसकी शादी हुई थी और उसके घर में काफी सारे लोग थे और उस दौरान ही उनके घर में एक चोरी हो गई और चोरी के कारण काफी सारे लोग जो हैं वो काफी सदमे में आ गए, क्योंकि उनके घर से काफी सारी गहने और 40,000 रुपए कैश चोरी हुआ था। अचानक ही रात को चार लोग नकाब ढके हुए अंदर आ गए और पूरे परिवार वालों को स्टोर रूम में उन्होंने इकट्ठा कर दिया और वहां पर बंद कर दिया। पीछे से उन्होंने सारा का सारा सामान उठाया और उठाने के बाद वो फरार हो गए। और उसी दौरान ही जब घर वालों ने एक्चुअली में पुलिस को कॉल किया तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई, और पुलिस ने जब इन्वॉल्व हुई तब उनको पता चला कि एक्चुअली में इसमें कोई घर का सदस्य मिला हो सकता है, जिसके कारण उनको एक्चुअली में बबीता के ऊपर तो शक नहीं हुआ, बबीता के मामा के ऊपर जो कि रिश्ते में मामा लगते हैं उनके ऊपर शक हुआ, क्योंकि वो पुलिस को थोड़ा बहुत गुमराह कर रहे थे, जिनका नाम मुकेश बताया जा रहा है। और उस दौरान ही मुकेश को जब वहां पर गिरफ्तार किया शक के बदौलत और वहां पर पूछताछ की, पर वहां पर मुकेश जो है वो बबीता का मामा जो नहीं बता रहा था, तो धीरे धीरे जब उसके साथ सख्ती की गई तब उसने सब चीजें उगल दी। और उगलने के बाद बबीता जो है बबीता का नाम बोल दिया, बोला है कि घर के सदस्य यानी कि वही की बहू जो है बबीता राजपूत उसी ने एक्चुअली ये सब चीजें करवाया है। हालांकि ये चीजें कैसे करवाई है, क्यों करवाई है, बबीता से ही जाके पता चलना था, तो इसीलिए बबीता को भी वहां पर बुलाया गया। और जब उसको पूरा पूछताछ की गई तब पता चला कि बबीता ने ये जवाब दिया है कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो एक्चुअली में अपने ससुराल वालों से तंग हो गई थी, उसके ससुराल वाले गाड़ी दहेज में मांग रहे थे जो उसके पास नहीं था, जिसके कारण उसने ये प्लानिंग बनाई कि एटलीस्ट यहां से ही चोरी करके उसको बेच के उसके पैसे लेके मैं इनको गाड़ी दे सकूं, उसका घर भी बच पाए, जिसके कारण उसने अपना पूरा ससुराल पूरे का पूरा लूट लिया। और उस दौरान ये जो प्लानिंग है 20-20 से ही चल रही थी, फरवरी से ही चल रही थी, क्योंकि वो अपनी ननांग जो है डिंपल उसका घर पे आने का वेट कर रही थी। वो वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके गहने जेवरात जो भी सब चीजें रहेंगी तो पैसे वैसे रहेंगे तो वो भी वो वहां से उठा सकते, तो बहुत ही बड़ी प्लानिंग की थी इस बहू ने जो चोरी कर लिया। हालांकि इनके हाथ तो अभी पुलिस के तो हाथ लग गई है और जो वहां से सामान चोरी किया था वो भी अभी वापस बरामद कर लिया गया है। हालांकि आपका क्या ख्याल है बबीता के बारे में, जो इतनी ज्यादा प्लानिंग कर सकती है, वो जाके पुलिस में रिपोर्ट भी तो दर्ज करवा सकती थी, क्योंकि दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध है। आपका क्या विचार, बबीता को क्या करना चाहिए था, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।